हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षा। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम यूनिस्वैप के बारे में कंप्लीट गाइड इस वीडियो में बता दूंगा आपको। सो बिगिनर टू प्रो, सो सारे डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा। यूनिस्वैप में आप स्वैप्स कैसे कर सकते हैं, लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, लिक्विडिटी कैसे रिमूव कर सकते हैं, इम्परमानेंट लॉस, परमानेंट लॉस, एंड उसके साथ साथ अब फर्स्ट टाइम कोई भी कॉइन इसमें लिस्ट कर रहे तो उसका प्राइस कैसे डिसाइड होगा। सो आप भी प्राइस कैसे डिसाइड कर सकते हैं, आप कुछ सेल्स में पार्टिसिपेट किया तो। सो वो सारे डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता लाइक कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन एंड फीडबैक मेंशन कीजिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो उसके साथ साथ मैंने एक एक्सेल भी बनाया। मैं किमची टोकन फार्मिंग में एक लिक्विडिटी प्रोवाइड किया था, उसका लिक्विडिटी में मुझे कितना प्रोवाइड किया एंड विड्रॉ करते टाइम मुझे इम्परमानेंट लॉस परमानेंट लॉस कितना हुआ, वो सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्ट थिंग, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिस्वैप में हम स्वैप्स कर सकते हैं बिटवीन कॉइन्स, एंड इसको यूज करने के लिए आपको ब्राउजर एक्सटेंशन मेटामास्क होने का जरूरत है। अदर एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं बट मेटामास्क रिकमेंडेड है। सो मेटामास्क के बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है तो ऊपर आई आइकन में वीडियो रहेगा, जाके वो चेक कीजिए। उसके बाद आपको मेटामास्क में जो भी फंड्स है इधर वैलेट कनेक्ट करने के बाद इसको इस पर्टिकुलर स्क्रीन में आप स्वैप कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग, सिंपल वे स्वैपिंग के लिए आपको इस पर्टिकुलर ड्रॉपडाउन में इथेरियम से किस टोकन को आप स्वैप करना हो सेलेक्ट करना होगा। सो इस एग्जांपल में यूनी दिखा रहा है। सो अगर यूनी सेलेक्ट किया तो इधर मैं जितना भी अमाउंट डाल रहा है उस पर्टिकुलर इतना यूनी स्वैप यूनी टोकन मुझे मिलेगा। बट बेटर रिकमेंडेड वे है गाइस, सो क्योंकि इसमें यूनिस्वैप में कोई भी किसी भी कॉइन का लिस्टिंग कर सकते हैं। सो इसलिए इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के थ्रू इसमें आप कॉइन्स को स्वैप कीजिए। सो इसके लिए आपको, ये बिगिनर्स के लिए बता रहा है क्योंकि बहुत सारे यूजर्स इसमें न्यू कॉइन्स रिलीज होता है। सो यूनी तो पॉपुलर कॉइन है, हम सबको पता है, बट मल्टीपल न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सो सारा डुप्लीकेट मतलब फेक कॉइन्स भी इसमें लिस्ट होने का चांसेस है। सो इसलिए आपको करेक्ट जो यूनी का अगर इसमें देगा तो मल्टीपल यूनी आ जाएगा कुछ दिन में, इधर नीचे और भी दो दिखेगा। सो वो सब अवॉइड करने के लिए आपको सिंपली coingecko.com में जाना होगा। इधर आपको जो भी टोकन आप सेलेक्ट करना है उसको सेट्स में सेट्स कीजिए, उसके बाद आपको इस पर्टिकुलर स्क्रीन में कॉन्ट्रैक्ट करके दिखेगा। सो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी कीजिए। सो ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यूनी को रिकमेंड करता है, मतलब यूनी को रिप्रेजेंट करता है। सो इधर आपके आपको ड्रॉपडाउन में उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट कीजिए, आपने आप एक्चुअल यूनी टोकन इसमें आपको डिस्प्ले हो जाएगा। सो ये बेसिक थिंग है, सो न्यू बिगिनर्स के लिए बता रहा है इसलिए। सो अभी हम बात करेंगे यूनिस्वैप में टोकन का प्राइस कैसे डिसाइड होगा। सो अभी इधर इस स्क्रीन में देख सकते हैं, ये एक ऑटोमेटेड मार्केट मेकर है। सो इसमें हमको ये $4 कैसे डिसाइड हुआ। सो फर्स्ट थिंग, आपको सिंपल एग्जांपल विद कैलकुलेशन दिखा दूंगा। इस स्क्रीन में हम यूनी का टोकन का प्राइस कैसे डिरे हुआ आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, यूनी वर्सेस इथेरियम पेयर में। सो थोड़ा आप नीचे आए तो आप इधर देख सकते हैं पूल टोकन्स। सो इस पूल टोकन्स में हमको इथेरियम डिवाइडेड बाय यूनिक किया तो हमको उसका प्राइस आ जाएगा 66,171 डिवाइडेड बाय 553,990,3। सो इधर देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के हिसाब से 1 यूनी इक्वल टू 0.01194 इथेरियम। सो आप स्क्रॉल किया तो देख सकते हैं सेम अमाउंट आया, 1 यूनी इक्वल टू 0.01194। सो सेम अमाउंट इधर दिखा रहा है। सो एंड इसका $4 कैसे डिसाइड हुआ, क्योंकि अभी का इथेरियम का प्राइस है $342.33। सो इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 342.33। सो $4.08। सो इधर देख सकते हैं ऑलमोस्ट 4.09। सो इस टाइप में हमको इस पर्टिकुलर यूनिस्वैप में हमका प्राइस डिसीजन होगा। सो मतलब जितना भी टोकन लिक्विडिटी में सप्लाई हुआ है उस पर्टिकुलर टोकन्स के हिसाब से इसका ऑटोमेटेड मार्केट मेकर में प्राइस डिले होता है। कभी कभी मार्केट में ज़्यादा प्राइस, अगर यूनिस्वैप में ज़्यादा प्राइस आए तो बहुत सारे आर्बिट्रेज यूजर्स रहते हैं, मेरे जैसा, मैं भी बहुत बार आर्बिट्रेज यूज़ किया। सो यूनिस्वैप में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहता है। सो यूनिस्वैप में प्राइस थोड़ा हाई प्रीमियम में रहे तो हम नॉर्मल एक्सचेंज में परचेज करके कॉइन को उसको यूनिस्वैप में स्वैप करके आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी अर्न कर सकते हैं। सो बहुत बार मैंने देखा BNS टोकन का भी एक आर्बिट्रेज किया मैंने एक बार इसमें, बट एक ही प्रॉब्लम है इसमें, आप स्मॉल अमाउंट से आर्बिट्रेज किया तो आपको गैस भी चले जाएगा। सो ऑब्वियसली आर्बिट्रेजर्स इस पर्टिकुलर प्राइस को नॉर्मल एक्सचेंज में जितना प्राइस है उतना इक्विलिब्रियम में लेकर आएगा। सो अभी हम बात किया इसका प्राइस कैसे डिराइव हो गया। सो अभी नेक्स्ट थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करेंगे अभी। सो अभी हम बात करेंगे
न्यू टोकन लिस्टिंग। सो अगर न्यू टोकन, कोई भी टोकन किसी के कोई भी लॉन्च कर सकते हैं टोकन एंड उसको यूनिस्वैप में हम ऐड कर सकते हैं। सो उसको कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी आपको बता दूंगा। अगर आपको यूनिस इस पर्टिकुलर प्री सेल में आपको टोकन्स मिला तो आप भी ऐड कर सकते हो, वो डेवलपर्स अगर ऐड नहीं किया तो आप भी उस टोकन्स को यूनिस्वैप में लिस्ट कर सकते हैं। सो अभी आपको एग्जाम्पल दिखा दूंगा। सो टू डेज बैक मैंने एक शिट कॉइन, ये एक रिस्की कॉइन है, सो मैंने ऐसे रिस्क लेके इसमें पार्टिसिपेट किया। इसका टोकन सेल हुआ था, सो YN फाइनेंस पैसिव इनकम। सो इस पर्टिकुलर टोकन सेल में मैंने पार्टिसिपेट किया, मुझे अराउंड 72 टोकन परचेज किया। सो अभी इस पर्टिकुलर टोकन का लिस्टिंग, ये वीडियो मैंने दो दिन पहले रिकॉर्ड किया, जब मैंने पार्टिसिपेट किया मुझे 72 टोकन मिला तब रिकॉर्ड किया। सो अभी ये लिस्टिंग हो गया, बट उसका लिस्टिंग 24 आवर्स के बाद हुआ। सो यूनिस्वैप का लिस्टिंग ऑफ प्री सेल के बाद 24 आवर्स के बाद हुआ है। सो उसके अंदर अगर मुझे इस टोकन को यूनिस्वैप में लिस्ट करना है तो मैं उसको लिस्ट कर सकता हूँ। सो आपको अभी दिखा दूंगा। सो टू डेज बैक जैसे वीडियो दिखा है, सो इस टोकन का नाम YN फाइनेंस पैसिव इनकम। सो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी कीजिए इथर स्कैन से। सो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया, यूनिस्वैप में मैं जाके अभी आपको लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करना है आपको दिखा दूंगा। सो पूल सेक्शन में जाना होगा आपको, पूल, इधर ऐड लिक्विडिटी। उसके बाद आपको इधर ऐड लिक्विडिटी में हम जब भी ऐड करते हैं ऑलरेडी इसका पेयर अवेलेबल है, तो इस पर्टिकुलर यूनी इथेरियम पेयर ऑलरेडी अवेलेबल है। सो इस पर्टिकुलर पेयर में अगर हमको लिक्विडिटी ऐड करना है तो हमको 50% इथेरियम एंड 50% यूनी टोकन्स ऐड करना होगा। फॉर एग्जांपल आपको $200 वर्थ ऑफ यूनी इथेरियम पेयर इन्वेस्ट करना है तो $100 वर्थ ऑफ यूनी टोकन्स एंड $100 वर्थ ऑफ इथेरियम दोनों आपको लिक्विडिटी में प्रोवाइड करना होगा। सो आपको एक एग्जांपल दिखा दूंगा इस पर्टिकुलर सीन में, ऐड लिक्विडिटी में आके अगर मैं इसमें यूनी टोकन सेलेक्ट करूंगा। सो इधर मैं आपको 0.3 सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली मुझे अदर ऑप्शन दिखेगा इधर। सो इधर इसको मैं चेंज किया तो सेम पोर्शन में मुझे यूनिट टोकन भी देना होगा। सो 50% वैल्यू में देना होगा। अगर इस पर्टिकुलर टोकन का लिस्टिंग ही नहीं हुआ तो उसको कैसे डिसाइड होगा अभी आपको दिखा दूंगा। सो इस पर्टिकुलर YN फाइनेंस पैसिव इनकम टोकन अभी तक लिस्ट नहीं हुआ, सो मैं इसमें आके उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट किया, YFPI। सो इस पर्टिकुलर स्क्रीन में आप देख सकते हैं इधर मैं ओनली इथेरियम एंड इसका प्राइस में डिसाइड कर सकता हूँ। सो फर्स्ट टाइम जो भी इस पर्टिकुलर लिक्विडिटी ऐड कर रहा है पेयर का, वो इसका प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, इनिशियल लिस्टिंग प्राइस। सो आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं मैंने 0.3 इथेरियम को 72 YFPI टोकन्स लिक्विडिटी प्रोवाइड करा। अगर मैं ये प्रोवाइड करके सबमिट किया तो 1 इथेरियम के लिए आपको 240 YFPI टोकन्स मिलेगा। सो मैंने एक्सचेंज प्री सेल में 1 इथेरियम को 24 YFPI टोकन्स के प्राइस में परचेज किया। सो ये इसका प्राइस कंप्लीटली नीचे जाएगा। सो इसका ऐसा किया तो सो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं अगर 1 किया तो इसका प्राइस चेंज हो रहा है इधर तुरंत। सो इधर मैं प्राइस डिसाइड कर रहा हूँ। सो जो भी फर्स्ट टाइम, सो जनरली क्या होते हैं, सो जो ये YN फाइनेंस पैसिव इनकम वाला क्या किया, आफ्टर 24 आवर्स उसका प्राइस डिसाइड किया 18 इथेरियम इक्वल टू 18 YFPI टोकन्स करके। सो उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में उस पोर्शन में इथेरियम एंड उस पोर्शन में YFPI टोकन्स को उसने लिक्विडिटी ऐड किया यूनिस्वैप में। सो अभी इसमें दिखाऊंगा। सो 0.03 और 0.03 दिया तो 1 इथेरियम इक्वल टू 1 YFPI टोकन्स आएगा। सो ऐसा प्राइस डिसाइड होता है, बट मेरा लिक्विडिटी ऐड करने के बाद बहुत सारे यूजर्स इसमें स्वैप करने के बाद भी इसका प्राइस कंप्लीटली जीरो भी हो सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी में ओनली 0.3 YFPI टोकन्स रहेगा। सो उसका प्राइस क्रैश होने का चांसेस। सो इसलिए मल्टीपल एक दो तीन सेल्स मैंने ऐसा देखा, उसमें वो लोग टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट किया, वो लोग लिस्टिंग करने से पहले जो टोकन्स क्लेम किया यूजर्स, उसने उस पर्टिकुलर टोकन को ऑलरेडी लिस्टिंग में डाल दिया विथ हायर प्राइस। सो उसके बाद उसका प्राइस इंक्रीज हुआ, क्रैश हुआ। सो वो लोग एक्चुअल जो भी टीम है डेवलपिंग टीम, वो लोग उसमें लिक्विडिटी ऐड नहीं कर पाए क्योंकि उसका प्राइस हाई था, तो उसका पूल ऑफ शेयर ज़्यादा देना पड़ेगा। सो ये है इसका पूल कैसे आप ऐड कर सकते हैं। सो इसमें देख सकते हैं शेयर ऑफ पूल 100%, मतलब कोई भी इसमें पूल नहीं है, उसको अप्रूव करके सप्लाई किया तो इसका प्राइस डिसाइड हो जाएगा। सो ऐसा आप जो भी न्यू टोकन से आप ट्राई मत कीजिए। सो जस्ट आपका नॉलेज के लिए आपको दिखा रहा है कैसे इसका प्राइस डिराइव होगा। सो अभी हम बात करेंगे लिटिल इन डेप्थ। सो इसमें हम व्हाट इज इम्परमानेंट लॉस एंड व्हाट इज परमानेंट लॉस। सो
इसके लिए आपको एक एक्सेल बनाया मैंने। सो मैंने एक किमची टोकन में वीडियो बनाया था, सो ऑलरेडी वीडियो भी बनाया। सो इसमें किमची ईल्ड फॉर्मिंग मैंने स्टार्ट किया था, उसमें मैंने अराउंड 2.4 इथेरियम वर्थ ऑफ टोकन्स मैंने इथेरियम एंड किमची लिक्विडिटी पूल में सप्लाई किया। सो इस पर्टिकुलर फर्स्ट टेबल में आप देख सकते हैं मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है। सो जब मैंने इन्वेस्ट किया इसमें अराउंड 1.21 इथेरियम एंड 88 किमची टोकन्स मैंने डिपॉजिट किया। सो उसका वैल्यू है $570, $556, ऑलमोस्ट सेम ही है। सो थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर होगा एंड टोटल वैल्यू होगा $1,127। सो इसका टोटल मतलब जो भी मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड करा तब 1.21 इथेरियम का वैल्यू $570 एंड किमची का वैल्यू $556। सो उसके बाद आपको अगर किमची टोकन का प्राइस नीचे गया है तो आपको इम्परमानेंट लॉस होने का चांसेस है। सो अभी आपको दिखा दूंगा इस पर्टिकुलर स्क्रीन में। सो इस पर्टिकुलर स्क्रीन में आप देख सकते हैं मैं जब लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है तो आपको 50% इथेरियम 50% अदर टोकन आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है। सो स्क्रीन में देख सकते हैं फर्स्ट टाइम आप जो भी कॉइन्स इसमें यूनिस्वैप प्लेटफॉर्म में स्पेंड कर रहे हो आप उसको अप्रूव करना होगा, अप्रूव स्पेंड इन यूनिस्वैप। वो अप्रूव करने के बाद आप उस पर्टिकुलर टोकन को स्पेंड कर सकते हैं। सो वंस उस पर्टिकुलर टोकन को आप अप्रूव किया तो यूनिस्वैप में उसको फिर से अप्रूव करने का जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम सीधा आप स्वैप कर सकते हैं। सो अभी इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है मैं किमची इथेरियम लिक्विडिटी। सो इसके सप्लाई स्क्रीन में आप देख सकते हैं मुझे 9.77 LP टोकन्स मिल रहा है फॉर दिस पूल। सो वंस में सबमिट करने के बाद मुझे पॉपअप आएगा, उसको कन्फर्म करके अप्रूव करने के बाद मेरा LP टोकन्स मुझे ऐड हो जाएगा एंड मेरा लिक्विडिटी ऐड हो जाएगा। सो इधर देख सकते हैं लिक्विडिटी ऐड हो गया किमची एंड इथेरियम पूल में, मेरा लिक्विडिटी लॉक हो गया। सो उस पर्टिकुलर स्क्रीन में अब प्राइजेस मैंने दिखाया जो प्रीवियसली मैंने जो दिखाया उस प्राइस देख सकते हैं। एंड फर्स्ट टाइम आप लिक्विडिटी ऐड किया तो न्यू टोकन्स को आपको इधर लिक्विडिटी स्क्रीन में आपको नहीं दिखेगा, उसको आप इंपोर्ट इट करके क्लिक करके आपको उसका वैलिड एड्रेस डाल के फिर से उसको ऐड करना होगा, क्योंकि सारा टोकन्स इसमें लिस्ट में नहीं रहेगा। सो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ही आपको ऐड करना होगा। सो अभी इसमें देख सकते हैं 88 किमची एंड 1.22 इथेरियम मुझे 9.75 LP टोकन्स मिला है। सो सेम टोकन्स मैंने किमची फार्मिंग में रखा है कुछ दिन, विद इन 2 डेज उसका प्राइस ड्रास्टिकली फॉल हुआ। सो उसके बाद इसका प्राइस जब मैंने LP टोकन्स रिमूव किया, इथेरियम का प्राइस था, इथेरियम का प्राइस $468 से $402 हुआ एंड इसका किमची का प्राइस $6.26 से $1.42 हुआ। सो इसका मतलब ऑलमोस्ट इथेरियम 14% गिरा है एंड किमची अराउंड 77% फॉल हुआ। सो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में सेम LP टोकन्स अगर मैंने रिमूव किया तो मुझे ओनली 0.63 इथेरियम मिलेगा एंड 179 किमची मिलेगा। सो आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा रिमूव करके। सो जब भी आपको रिमूव करना है तो लिक्विडिटी ऐड करने के बाद अब इस पर्टिकुलर स्क्रीन में उस पर्टिकुलर लिक्विडिटी पूल में जाके आपको रिमूव के ऊपर क्लिक करना होगा। सो इधर देख सकते हैं मेरा लिक्विडिटी किमची ईद का लिक्विडिटी है, इधर आके मैं रिमूव बटन के ऊपर क्लिक करके रिमूव कर सकता हूँ। बट इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं अगर मैं इस पर्टिकुलर किमची इथेरियम पेयर का अभी रिमूव किया तो मुझे मेरा इम्परमानेंट लॉस परमानेंट लॉस हो जाएगा। सो इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं सेम अमाउंट ऑफ 9.75 LP टोकन्स का अभी मेरा रेशियो चेंज हो गया, क्योंकि इथेरियम एंड किमची का प्राइस गिर गया है। सो इसका मार्केट प्राइस के हिसाब से मुझे उतना टोकन्स मिलेगा लॉसेस। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो क्योंकि आपको जब आपने इस पर्टिकुलर टोकन्स को लिक्विडिटी सप्लाई किया, आपने 1.21 इथेरियम सप्लाई किया एंड 88 किमची टोकन्स आपने लिक्विडिटी सप्लाई किया, जब आप उसको विड्रॉ कर रहा तो अगर आपको उसको विड्रॉ नहीं किया तो आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन में देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्क्रीन में अभी मैंने इसको रिमूव नहीं किया। सो अभी मेरा ये इम्परमानेंट लॉस में है। सो इम्परमानेंट लॉस मतलब टेम्पररी लॉस है। सो जब तक मैं इसको रिमूव नहीं करूंगा तब तक ये मेरा टेम्पररी लॉस है। अगर तब तक इसका इथेरियम एंड किमची का प्राइस ऊपर गया तो फिर सेम प्राइस पॉइंट में आया तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसी प्राइस में आया तो मुझे जब मैं लिक्विडिटी रिमूव करूंगा सो तब मुझे सेम अमाउंट ऑफ इथेरियम एंड सेम अमाउंट ऑफ किमची वापस मिलेगा। बट अगर मैं इसको अभी रिमूव किया तो वो मेरा इम्परमानेंट लॉस जो है वो परमानेंट लॉस हो जाएगा। सो वो इसका मतलब यही है, टेम्पररी लॉस मेरा परमानेंट लॉस हो जाएगा। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत बहुत बार आपका इस टाइप का किमची इस टाइप का शीट कॉइन में आप इन्वेस्ट कर रहा तो आप देख के इन्वेस्ट कीजिए। सो क्योंकि आपके पास विड्रॉ करते टाइम मुझे 88 किमची टोकन 178 हुआ एंड मेरा 1.21 इथेरियम जो है 0.63 हुआ है। सो इसको सेल किया तो मैं मार्केट प्राइस में मुझे ओनली $508 मिलेगा एंड इसका ऑलमोस्ट मुझे $600 वर्थ ऑफ लॉस होगा। सो इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करते टाइम। सो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते टाइम दोनों कॉइन्स का प्राइस ऊपर नीचे हुआ तो आपका टोकन्स का नंबर ऑफ टोकन्स भी आपको
वेरी होगा, सो भी आपको ध्यान में रखना होगा। सो आप देख के इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो भी टोकन आपको लो रिस्क है उसमें आप इन्वेस्ट करना होगा। सो मेरा BNSD फाइनेंस में एक यील्ड फार्मिंग का वीडियो डाला, वो भी आप चेक कीजिए मैंने कितना रिटर्न्स का एन किया करके प्रीवियस वीडियो में, जाके वो वीडियो चेक कीजिए, उसमें मैंने रिकमेंडेशन किया किस टाइप का कॉइन्स किस टाइप का पेस में आपको विड्रॉ करना करके। एंड इस पर्टिकुलर स्क्रीन में मैंने रिमूव किया, सो अगर मैं रिमूव नहीं किया तो किमची का प्राइस और नीचे जाने का चांसेस था। अगर कोई भी होप है तो आपको नॉर्मल इथेरियम USD पेयर में आप है तो उसका प्राइस ऊपर जा सकते करके सोचा, तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, देन आपका इम्परमानेंट लॉस परमानेंट लॉस नहीं होगा। अगर मैं रिमूव के ऊपर क्लिक किया तो मेरा इम्परमानेंट लॉस परमानेंट लॉस हो जाएगा, एंड मैं उस पर्टिकुलर जो लॉस हुआ है मुझे 1.2 इथेरियम मुझे ओनली 6.53 इथेरियम मिल रहा है, सो वो जो इथेरियम लॉस हो वो मैं रिकवर भी नहीं कर सकता। सो आपको दिखा दूंगा रिमूव के ऊपर क्लिक करना होगा जब भी आपको लिक्विडिटी रिमूव करना है, तो मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं आप, पार्शियली भी विड्रॉ कर सकते हैं। सो मैं मैक्सिमम सेलेक्ट किया एंड अप्रूव करना होगा फिर से लिक्विडिटी आप रिमूव कर रहा है तो अप्रूव करके उसके बाद मैं रिमूव के ऊपर क्लिक किया तो मेरा वैलेट में तुरंत इस पर्टिकुलर किमची टोकन एंड इथेरियम टोकन ऐड हो जाएगा। तो सिंपल थिंग है। सो मेरा इस पर्टिकुलर स्क्रीन में मैं कंफर्म किया, सो इस पर्टिकुलर स्क्रीन में मेरा इम्परमानेंट लॉस जो है वो परमानेंट लॉस हो गया। सो ये है अभी इसका डिफरेंस परमानेंट लॉस एंड इम्परमानेंट लॉस। सो मेरा किमची टोकन वैलेट में तुरंत ऐड हो जाएगा, सो टोटल लॉस इतना हुआ है। सो बट मैंने दूसरा प्रोजेक्ट में थोड़ा लॉसेस रिकवर किया है। सो आप भी ध्यान में रख लीजिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करते टाइम इम्परमानेंट लॉस को आप कैलकुलेशन कीजिए, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। सो क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉइन्स को मैं ऐसे ही होल्ड किया तो अगर इथेरियम का प्राइस ऊपर गए तो मुझे थोड़ा प्रॉफिट आने का चांसेस था, बट इस पर्टिकुलर स्क्रीन में जो मैंने लिक्विडिटी रिमूव किया मुझे टोकन्स भी डिवाइड हो जाते हैं 50% इथेरियम 50% किमची में। सो किमची का कोई भी होप नहीं था ऊपर जाने का, सो इसलिए मैंने जल्दी इसको रिमूव करके इमीडिएटली किमची सेल किया एंड इथेरियम को थोड़ा होल्ड किया, उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके लॉसेस रिकवर किया। सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट यूनिस्वैप एंड यूनिस्वैप में आप लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, प्राइसेस कैसे डिराइव कर सकते, बहुत सारा डिटेल डिस्कशन किया। सो आई थिंक ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नया चैनल है हिंदी में, सो थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए इसलिए कम सब्सक्राइबर्स है। सो तेलुगु में मेरा चैनल ऑलरेडी 3 ईयर्स से है, सो मेरा चैनल में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सो और भी जो भी वीडियोस आपको देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उस टाइप का वीडियोस लेकर आऊंगा। सो ये है आज का वीडियो, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।